फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि पहले के क्लासेस में आप लोगों ने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ रखा होगा, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में। लाइक पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है, देखिए नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, आप जिसे गिन सकते हैं। अब बताइए क्या जीरो नेचुरल नंबर है? जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई भी चीज को आपको काउंट करना है, आप जब किसी चीज को काउंट करते हो तो आप इनको डेफिनेटली वन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी नेचुरल नंबर शुरुआत होता है वन से और ये कंटिन्यू होता जाता है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, या तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक कि यहाँ पे आपका मतलब इन्फिनिटी तक ये चलता है, ठीक है। अब देखो जैसे नेचुरल नंबर में ये वन से शुरू हो गया, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होता जाता है। फिर उसी प्रकार से आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर में भी क्या होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर आप नेचुरल नंबर में आप जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसी को होल नंबर कह दिया जाता है। जैसे कि वन टू थ्री फोर डॉट डॉट, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम लोग एक जीरो मिला दें तो अब ये नेचुरल नंबर नहीं रहा, अब ये पूरा होल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी नंबर को पॉजिटिव पे भी डिनोट कर सकते हैं तो कभी किसी नंबर को नेगेटिव में डिनोट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है? एनी गेसेस? जीरो इज द करेक्ट आंसर। जीरो एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो तीन ग्रुप बन रहे, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, इसका जो कलेक्शन होता है, इसका जो ग्रुप होता है, इसे ही हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटीजर्स का मतलब समझ में आ रहा है? इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो टेकन टुगेदर इज नोन एज इंटीजर्स, ओके।